नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन में जब डोनर की आवश्यकता होती है, कौन लिवर डोनर हो सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बैकग्राउंड में, ये आपको भी पता होगा, एक अन्य वीडियो में मैंने लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। लिवर सिरोसिस में जब किसी भी कारण से लिवर ठीक होने की संभावना नहीं हो रही हो तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेट क्यूरेटिव ऑप्शन होता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया में लिवर को बाहर निकाला जाता है, जो डिजीज लिवर है, और उसकी जगह पे नया हेल्दी लिवर डाला जाता है शरीर के अंदर। ये लिवर का सोर्स दो हो सकता है, यानी कि जो कैडेवर से, डेड बॉडी से जो वॉलंटरी डोनेशन होती है उसके जरिए पूरा लिवर मिल जाए तो, या लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि जो आपके रिलेटिव्स हैं उनमें से कोई एक अगर इसके लिए वॉलंटियर करे तो हम उसको, जो उसका लिवर का हिस्सा देते हैं आपको, उसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट यानी कि LDLT कहते हैं। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी आपके पास दो है लेकिन लिवर एक होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है कि LDLT कैसे होगा जब एक ही लिवर है, उसको निकाल कैसे सकते हैं। तो पूरा लिवर नहीं लेते हैं, लिवर का एक पार्ट लेते हैं। ये समझना, एक मिसकॉन्सेप्शन हटाना बहुत ज़रूरी है कि LDLT तभी संभव है जब आपको, यानी कि पेशेंट को जितने लिवर की ज़रूरत हो, जितना वॉल्यूम वाइज डोनर से सेफली उतना लिया जा सकता है। इसको GRWR यानी कि ग्राफ्ट टू रिसिपिएंट वेट रेशियो कहते हैं, और ये अगर एक कंफर्टेबल लिमिट के ऊपर हो तभी कर सकते हैं। तो बेसिक जो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि डोनर कौन हो सकता है, डोनर में दो तरह के रिक्वायरमेंट होती है, एक लीगल रिक्वायरमेंट और दूसरी मेडिकल रिक्वायरमेंट। जो लीगल रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री की ये कहती है कि लिवर डोनर कोई ना कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, यानी कि कोई फ्रेंड यानी आपका जानकार अगर हो तो ये लिवर डोनर नहीं हो सकता है। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं, बट नॉर्मली हमारा कोई फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव ही लिवर डोनर हो सकता है। तो ये तो हो गए लीगल रिक्वायरमेंट। अब मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। पहली चीज़ होती है ब्लड ग्रुप का मैच करना, यानी कि अगर आपका ब्लड, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ओ पॉजिटिव है और मुझे लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है, ये ABO कंपैटिबल कहते हैं। देखिए, ABO इनकॉम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स थोड़े इन्फीरियर होते हैं, और उसमें कुछ ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी के कारण जो रिजेक्शन की रिस्क होती है उसको हटाने के लिए कुछ इंजेक्शंस या प्लाज्माफेरेसिस करते हैं, उसका एक्सपेंस अलग होता है, खर्च बढ़ता है, और उसके रिजल्ट्स ABO मैच लिवर ट्रांसप्लांट से इंफीरियर होते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर ABO कंपैटिबल डोनर हो तो वो बेहतर है। इसके अलावा एज की एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम 18 साल से 55 साल तक के आदमी को लिवर डोनर लेते हैं। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। BMI अगर किसी का 25 से ज़्यादा है, यानी कि मोटा है वो व्यक्ति, तो जनरली वो एक अच्छा डोनर नहीं होता, क्योंकि वो फैटी लिवर होता है, उसके लिवर के अंदर फैट होता है, जिससे ये जो बचा खुचा जो लिवर, ये इसका पार्ट यानी कि हेल्दी डोनर का अगर 40% पार्ट लेकर के हम रिसिपिएंट को देते हैं तो ये लिवर की रीजनरेटिव प्रोसीजर थोड़ी अच्छी नहीं रहती है, और जो लिवर के सेल्स होते हैं लिमिटेड हैं तो उनकी फंक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। तो फैटी लिवर यानी कि मोटापा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है, वो नहीं होना चाहिए। डायबिटिक अगर कंट्रोल्ड है वो लिवर दे सकते हैं। थायराइड की बीमारी है, जो ये कॉमन बीमारियां हैं, BP है, अगर आप इसकी दवाइयां खा रहे हैं, कंट्रोल्ड है, तो वो व्यक्ति लिवर डोनर हो सकता है। मेजर इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस बी अगर किसी को है तो वो डोनर नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। तो ये मोटी मोटी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद हम सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग पर जाते हैं, जिसमें डोनर के लिवर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। लिवर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें हिपैटिक आर्टरीज, पोर्टल वेन, हिपैटिक वेन्स, इसके जरिए बटा होता है। तो ये जो एनास्टोमोसिस यानी कि जोड़ लगता है, ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है, तो इसकी एनाटॉमी कंपैटिबल होनी चाहिए कि आर्टरीज या डक्ट जहाँ से लिवर का हिस्सा लिया जाएगा और वो और रिसिपियंट में ये ठीक बैठे। तो ये सारी जटिलताएँ LDLT में हैं, ये कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट में नहीं है। कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट में पूरा हिस्सा निकलेगा और वो आकर के फिट हो जाएगा, उसमें सिर्फ ABO कंपैटिबिलिटी चाहिए। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लिवर दे रहा है उसको कोई परेशानी ना हो,
और जिसे लिवर मिल रहा है उसको भी एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ लिवर मिले जिससे कि वो इतनी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के बाद अच्छी तरह से रिकवर कर सके। तो जब भी लिवर ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है, अगर कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और फंक्शनल हो, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इस वक्त नहीं है, कुछ हिस्सों में है और इसके लिए आगे आने की ज़रूरत है, तो एक संदेश ये भी मैं देना चाहूँगा कि वॉलंटरी डोनेशन को, ऑर्गन डोनेशन को आप बढ़ावा दें और इसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लें ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। जब तक ये चीज़ें बहुत इस्टेब्लिश्ड होती हैं तब तक LDLT, इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ और मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होती है और इसमें कई बार टाइम विंडो बड़ा कम होता है जिसमें कि हम ये प्रोसीजर कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत देर तक इसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं। तो अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को, जानने वाले को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत हो और वो LDLT के लिए जानना चाहते हो, तो इसमें शायद ये जो जानकारी दी गई है आपके काम आ सके। धन्यवाद।